देखिए, ये छोटी वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि जिससे कि आपको कंटेंट प्रॉपर पहुंच जाए और आराम से पहुंच जाए। बाकी नोट्स मैंने सभी आपको पिन कर रखे हैं, जो भी नए यूजर्स हैं और जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको सबको पता है। तो छोटी वीडियोस का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी इसको टॉपिक को पकड़ पाए, कॉन्सेप्ट पकड़िए और नोट्सों से उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रॉपर्टीज? सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंड मैं एससी लिख रहा हूं, आप एग्जाम में एससी मत लिखिए, यू शुड राइट द फुल सुपर कंडक्टर। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? लो टेम्परेचर फिनोमेना है। ये कैसा है? लो टेम्परेचर फिनोमेना। ये कैसा है? लो टेम्परेचर आपका फिनोमेना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की, टीसी, टीसी क्या है? टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, सभी अलग-अलग डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे लेड के लिए अलग है, जिंक के लिए अलग है, एल्युमिनियम के लिए अलग है, इन सभी के लिए क्या है, टीसी की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये क्या है? शार्प सुपर कंडक्टिव। ये सब, हाँ, एक इससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट, जो माइजर इफेक्ट, आपने माइजर इफेक्ट में आपने क्या देखा? ये कैसे हैं? परफेक्टली डायमैग्नेटिक। कैसे हैं? परफेक्टली डायमैग्नेटिक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सुपर कंडक्टर्स नहीं होते, वो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ये कैसे हैं? परफेक्टली डायमैग्नेटिक। चौथी प्रॉपर्टी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर्स है, प्योर सुपर, सॉरी, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, तो इट एग्जिबिट्स द शार्प सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या करेगा? शार्प, बिल्कुल शार्प सुपर कंडक्टिविटी को दिखा, अगर प्योर सुपर कंडक्टर आपके पास है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम छोड़ ही रहे हैं, लिखेंगे हम लास्ट में, मैंने बिल्कुल छोड़ा, आपको पता भी होगा, जो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है रो, ये क्या ऑफर करते हैं? जीरो ऑफर करते हैं, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके प्रॉपर्टीज होंगी। लो टेम्परेचर फिनोमिनन है, टीसी, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ईच सब्सटेंस इज डिफरेंट, सभी सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं, प्योर सुपर कंडक्टर्स क्या शो करते हैं? शार्प सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं, और दे ऑफर द जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और आप कह सकते हैं कि जीरो रेजिस्टिविटी या जीरो रेजिस्टेंस जो है ऑफर करते हैं। अब एक और, जैसा माइजर में, एक और छठे में पॉइंट की बात कर दूं, इट एक्सपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू एच सी की, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, जैसे क्रिटिकल वैल्यू की बात की, जैसे ही एस सी से ऊपर वैल्यू जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेट, बिलो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं। तो इस तरीके से आपकी छह प्रॉपर्टीज जो है किसकी हो गई? सुपर कंडक्टर्स की हो गई, ठीक है। थैंक यू।